26 जनवरी से पहले देश में बड़े आतंकी हमले की आशंका। मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर हाई लेवल का अलर्ट जारी। अच्छी खबर, मेट्रो 2A और 7 को मिला सुरक्षा प्रमाण पत्र। 19 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री ने लिया कामों का जायजा। मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर एक साल में 2,507 लोगों की मौत। लाइन क्रॉस करने के चलते हुई सबसे ज्यादा मौतें। मुंबई में वीकेंड पर बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने की पारा 14 से 13 डिग्री से नीचे गिरने की भविष्यवाणी। महाराष्ट्र में उठी समान नागरिक कानून बनाने की मांग। बीजेपी विधायक अतुल भातखळकर ने लिखा देवेंद्र फडणवीस को पत्र। बीएमसी चुनाव से पहले पीएम मोदी का मुंबई दौरा। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के पास बीकेसी में करेंगे जनसभा। मुंबई में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए डबल डेकर टनल का विकल्प समय की मांग। सीएम शिंदे ने कहा कि डबल डेकर टनल की जरूरत। कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की कार तक पहुंचा युवक। नवी मुंबई से मुंबई 20 मिनट में होगा 2 घंटे का सफर। महाराष्ट्र में आई सिंगापुर की तकनीक। नवंबर में तैयार होगा MTHL ब्रिज। मलाड में 100 साल पुरानी बिल्डिंग को आज मुंबई महानगर पालिका ने किया ध्वस्त। मलाड एसवी रोड पर स्थित 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग को सड़क चौड़ीकरण के चलते किया गया जमींदोज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और ठाकरे की होगी एंट्री। उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे का गिरगांव में लगाया गया पोस्टर। पोस्टर पर लिखा आज की शांति कल का तूफान। संजय राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। कहा महाराष्ट्र की सरकार थोड़ी भी गंभीर नहीं है। पीएम आते जाते रहते हैं। फडणवीस को दावेस में होने वाली विश्व आर्थिक सभा नहीं छोड़नी चाहिए। कांग्रेस नेता अमित देशमुख बीजेपी में शामिल होने को तैयार। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा। कहा आघाड़ी होने वाली है खाली। पीएम नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले महाराष्ट्र में गरमाई राजनीति। आदित्य ठाकरे ने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर उठाए कई सवाल। कहा जिस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे वो MBA में बना, फिर भूमि पूजन में देरी क्यों। मीरा रोड पर CNG ऑटो रिक्शा में लग गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रोबो शर्मा को गन लाइसेंस मिला। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें हत्या की धमकियां लगातार मिल रही थी। मुंबई के थाने जिला में रिक्शा चोर के एक गिरोह का हुआ खुलासा। एक साल में अकेले नवी मुंबई में ही चुराए थे 150 से ज्यादा रिक्शा। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। 15 लाख से ज्यादा यात्रियों की कोरोना जांच में 200 लोग पाए गए संक्रमित। CBI ने मुंबई में मारा छापा। भारी मात्रा में डॉलर और नकदी CBI द्वारा की गई बरामद। थाने में बॉयफ्रेंड के साथ करनी थी बर्थडे पार्टी। लड़की ने अपने घर से ज्वेलरी चुरा कर बेची। नासिक में दरिंदगी बिस्तर पर पड़ी 60 साल की महिला के साथ 22 साल के युवक ने किया रेप। आरोपी हुआ गिरफ्तार। बढ़ती बिजली के बिल से ग्राहक है परेशान। तिलक नगर स्थित अडानी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। नवी मुंबई में 2 महीने की देरी से बाजार में पहुंचा अंगूर। खुदरा में 120 प्रति किलो पर मिल रहा है। मुंबई में सोने के दाम बढ़े। सोने के दाम, सोना 53,070 रुपए तोला। थाने में सड़क पर पार करते समय बस ने मारी टक्कर। बस की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल।